जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू एले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो NTA हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए ये आ गए तो इनके भी इश्यूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। थैंक यू।